जोहार नमस्कार आदाब, मेरा नाम अपराजिता पांडे है, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। झारखंड लेवल पे एक बहुत बड़ा ठगी का मामला प्रकाश में आया है और अभी हजारीबाग के मुफस्सिल थाना अंतर्गत जो है ये मामला अंकित है। यहाँ के जो लोग हैं हजारीबाग और आसपास के, वो लोग आपको झुंड में दिख रहे होंगे। काफी भीड़ है यहाँ पे और कई लोगों को तो अभी तक जानकारी नहीं हुई है कि उनमें से, उन गिरोह में से एक शख्स गिरफ्तार हो गया है। जी हाँ, मुफस्सिल थाने में वो गिरफ्तार शख्स जिनसे जांच पड़ताल चल रही है वो मौजूद है अंदर में, और यहाँ पे जो ठगी के शिकार हैं वो लोग मौजूद हैं, और ये लोग कोई और नहीं किसान है। जी हाँ, किसान को टारगेट किया गया है, ये सभी किसान हैं। पूरा मामला क्या है ये आपको धीरे धीरे करके इस पूरे लाइव सेशन में पता चल जाएगा। आप भी ठगी के शिकार हुए हैं, क्या नाम है? विश्वनाथ राम। क्या हुआ था पूरा मामला अंकल जी? सही मामला ये हुआ, हम लोग 2 साल से हम उनको जानते हैं। मेरे गाड़ी दिया गया, गाड़ी के नाम से पहले गाड़ी लिया हमसे, उसके बाद फिर कहा कि कितना पैसा है तो इतना पौधा लगाओ, 5 एकड़ 6 एकड़ 10 एकड़, तो हमसे मतलब 40 लाख रुपए ठगी किया है। कैसे ठगा गए 40 लाख रुपए? जागरूकता में कहां क्या कमी थी, कैसे कोई किसी को 40 रुपए ना दे, 40 लाख कैसे दे? करके धीरे धीरे करके पैसा जो है ना वो लेते गया कि इतना एकड़ में 3 लाख रुपया करके देंगे पर एकड़ में, है ना, उसी करते करते पैसा लेते गया। और जब टाइम पूरा हुआ तो चंपत हो गया, कहता है किसी वो भागने का सफल हो गया, वो भाग रहा था तो बोलता है कि ना हमको किडनैप कर लिया, कहाँ वो जंगल में कर लिया है, गाड़ी में अंदर में पैक करके रखे हुए। हम लोग दौड़े भी गए, उसके बाद फिर वहाँ पुलिस भी बोला, ट्रैक किया गया तो नवादा बिहार निकला हुआ है, गया निकला हुआ है। कहाँ पे लगे ये पूरे पौधे? ये पौधे बहुत जगह लगे हुए हैं, ये पप्पू जी बता सकते हैं कहाँ? पप्पू जी रफीक जी हमारे साथ, किन किन चीजों के पौधे लगे? मैम यहाँ पे जनरली उन्होंने कई तरह के पौधे के बारे बताया था, इससे इराल 196 जो लिप्टस की पेड़ होती है ना सफेद वाली, उसकी एक हाइब्रिड पेड़ होती है जो कि 6 साल में उसकी चौड़ाई जो है 14 इंच से लेकर 18 इंच होती है। और उसको क्या प्लाई बोर्ड वगैरह जो दरवाजा वगैरह बनती है ना, तो प्लाई बोर्ड वगैरह यूज होती है, टूट यूज होती है, उसके अंदर के लकड़ी की हड्डी से माचिस की तिल्ली बनाई जाती है। और मतलब काफी वाकई में ये जो है ना महंगा बिकता है, लोग हम लोग सर्च भी किए थे इसके बारे में, पता चला कि नहीं ये महंगा बिकता, तो ऑब्वियसली वो पॉलिस इस तरह से करता था ना मैम लोगों को, तो गरीब किसान क्या करते थे, टाइम लेते थे, वो 10,000-15,000 ऐसे करते करते 1-1.5 लाख रुपया इकट्ठा करते थे, फिर उसको देते थे, तो देने से पहले सर्च करते थे, तो सर्च में पाया गया वो चेक भी दे देता था पहले, एडवांस चेक 30 लाख का, एग्रीमेंट पेपर भी दे देता था, यहाँ तक कोर्ट से बॉन्ड भी दे देता था, तो लोग तो यकीन तो होगा ही। प्लस क्या है कि उसका सबसे मेन चीज़ क्या है कि वो भारत सरकार का लोगो गाड़ी में आगे, गाड़ी के आगे में लेके घूमता था, तो यकीन होता था खुले। दूसरा क्या है कि उसके हजारीबाग में जितने भी बैंक है, ब्रांच है, सब ब्रांच में अकाउंट्स खुले थे, तो ऑब्वियसली हम लोग को ये लगता है कि वो आदमी काम करेगा। और 6 साल वहाँ पर रहा, 6 साल में कई सौ लोगों का पैसा, कई सौ करोड़ अरबों रुपया भी, इतना बड़ा स्कैम आज तक हजारीबाग में क्या पूरे झारखंड में नहीं हुआ होगा जितना बड़ा स्कैम हुआ है प्रदीप कुमार राय द्वारा। वो पौधे कहाँ लगे हुए हैं? पौधे आप चले जाएंगे, सपोज आप चले जाइए इधर इधर चुरचू चले जाइए, कवालो चले जाइए, इधर आपका भगोदर चले जाइए, बरी चले जाइए, छुड़ू कोडरमा चले जाइए, आपका इधर रामगढ़, तो पूरे पौधे लगे हुए हैं। पूरा पद्मा में भी लगा हुआ है, पद्मा में बहुत त्रिवेणी माता का लगा हुआ है, और एक ही लीज में बहुत सारे किसान को दे दिया गया है, और सभी से 3-3 लाख रुपए ले लिया गया, और बोला 3 लाख करके बदले उसको 30 लाख दिया जाएगा चेक के माध्यम के द्वारा। मतलब ये होते हैं कि जिन भी चीजों पे आम आदमी और किसान भरोसा कर सकते हैं, जैसे बैंक्स हो गए या भारत सरकार का लोगो देख करके सब कोई भाई ये हो जाते हैं कि भाई नहीं इस चीज पर भरोसा किया जा सकता है, उन चीजों का इस्तेमाल करके, बखूबी इस्तेमाल करके इन लोगों को ठगा गया, और कई लोगों ने तो 40 लाख तक रुपए दिए। यहाँ कुछ और भाई बंधु है हमारे, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया? मैं कार्तिक मांझी नाम हुआ मेरा। कहाँ घर हुआ? मेरा सारूगढ़ रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। कैसे कैसे फंसे इसमें? फंसे हम तो पप्पू जो हम लोग जो राय साहब थे वो मैनेजर बनाए थे पप्पू राय, ये पप्पू को। अच्छा अच्छा, ये देखेंगे आप, देखेंगे यहाँ में। ये प्रदीप कुमार राय है जो इन लोगों को कन्विंस करते थे, यही कन्विंस करते थे, और यही जो है अभी भागे हुए। इनमें से ही इनका कौन है जो गिरफ्तार हुआ है? इसके बनोई साहब है जिसका नाम जितेंद्र पांडे, उनको लाया गया है। जितेंद्र पांडे है जो प्रदीप कुमार राय का साला जो बहुना है, ये ड्राइवर साहब थे, 6 साल से ड्राइवर साहब थे। आप 6 साल से उनके साथ में काम कर रहे हैं? 4 साल से।
चार साल से राय जी के साथ में काम कर रहे थे। हाँ, गाड़ी नाम तो ड्राइवर थे, दिन भर चलाते थे, रात में घर चले जाते थे। आपको मालूम नहीं पड़ा? हमको मालूम पड़ा इसलिए 14 जनवरी को जब मौर्या होटल में एग्रीमेंट होने लगा ना, तो गाड़ी में लगाओ तो तौलिया, तब बोला ये सुहेल तौलिया तो हमको ठंडा लगता है, एग्रीमेंट हुआ तो हम लिखेंगे। बोले ठीक है लिखेंगे, तो हम तौलिया चार उठक दे दिए। उस बाद हम चल गए घर। उसके बाद 4 बजे भोर में हमको टोल टैक्स पर मेहरू टोल टैक्स पर की नाम है नगवा टोल टैक्स में बुलाया हमको, तो हम गए तो हमको 7,000 रुपया दिया, जैसे सुहेल कोयला ले लेना, 15 जनवरी को यहाँ पार्टी होगा। तो हम 14 तारीख को ले लिए कोयला। कोयला ले घर आए तो साहब को बोले जी साहब कोयला ले लिए हैं, सब कहाँ जा रहे हैं? तब बोला जी हम जा रहे हैं छड़वा डैम। तो छड़वा डैम जा रहे थे, हमको भी ले लीजिए या पप्पू भी ले लीजिए, किसी भी ले लीजिए दो आदमी को। बोले नहीं गाड़ी में बहुत आदमी है, सब अकेले जाएंगे। जाने लगे तो मेरा मोबाइल ले लिया, मोबाइल मेरा गई, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, मेरा मोबाइल दीजिए। हम मोबाइल अपना दे दिए। 12 बजे दिन में फ़ोन किए थे, बोला जी हम कटकम सांडी में। कटकम सांडी के बाद जब फिर फ़ोन करने लगे तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुहेल खान। जिस दिन मैं भागा ना वो नौ सूटकेस इनके माध्यम से, नौ बड़ा बड़ा सूटकेस और तौलिया जो नया नया तौलिया इनके माध्यम से मंगाया था, और उसमें रुपये पैसे जेवरात वगैरह लेकर के यहाँ से अपना पर्सनल गाड़ी मंगाया, इनको गाड़ी दे दिया। भारत सरकार बोला कि लो ड्राइवर साहब गाड़ी जो है मालिक को पहुँचा दो। ये बोले भी कि आप क्यों अकेले क्या कर रहे हैं? हमने नहीं, आपको कुछ काम है आप जाओ। इसको भेज दिया और अकेले रहे थोड़े देर और अपना गाड़ी बुलाए और सारा पैक करके निकल गया। और झूठ मुठ का फोन कर दिया कि मेरा किडनैप हो गया, अपने से फोन कर रहे हैं। अपने तो आखिरी मुलाकात थी आपकी? अरे हमको मेरा 9 महीना का तनख्वाह नहीं दिया है। बता चुके हैं। तो देखेंगे आपकी लोगों की भीड़ है, तो वहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, देखिए महिलाएं भी हैं जो भी ठगी का शिकार हुए हैं। उस तरफ ही हम लोग चले जाते हैं, काफी महिलाएं। आप लोगों के साथ भी ठगी का ये हुआ है मामला क्या? जी। कहाँ की रहने वाली? रामगढ़ की रहने वाली है जी। रामगढ़ से अभी आए हैं मुफस्सिल थाना हजारीबाग। हाँ, क्या पूरा मामला हुआ? क्या पूरा मामला हुआ जी, मैं रामगढ़ से, और हम तो इतना दिन से नहीं दिए हुए थे पैसा, लेकिन जब अबर ये यहाँ पे टेंट वगैरह का ताम झाम जब किया ना, वो कौन से साल? अबर 14 जनवरी को, 2024 की बात जी। 14 जनवरी को ताम झाम करने के बाद जी, पप्पू के मैं भाभी लगती हूँ, वो बोला कि ये बना मतलब पूरा कटान जो 1 महीना के अंदर कटान होने वाली है मैडम, उसमें मैं सबसे पहले आपको दे दूंगा और आप जो है सही कीजिए। तो मैं 3 लाख रुपया इसको कैश, जिस दिन वो यहाँ से फरार हुआ उस दिन हमसे वो 3 लाख रुपया कैश लिया है, और वो हमसे 5 मिनट भी बैठना मुनासिब नहीं समझा, बस पैसा लिया और वो वहाँ से चला गया। हम लोग को लगा कि सुबह यहाँ पे प्रोग्राम होने वाली है तो सही है, लेकिन यहाँ तो 100% फ्रॉड निकला। तो कैसे आप लोग इतना भरोसा कर लिए कि 3 लाख रुपया दे दिए एक बार में कैश? तो यही तो जनता के साथ धोखा हुआ है ना, जनता के साथ यही पे धोखा। नहीं लग रहा है कि जागरूकता की भी कहीं ना कहीं कमी है? एकदम पूरा लग रहा है कि यहाँ पे पब्लिक के साथ जागरूकता की कमी है। उन्होंने एक लफ्ज सबसे ज्यादा ये एक लफ्ज यहाँ ठगी का मामला होने से पहले 1 घंटा पहले हमको बोले, ये सबसे बड़ा बात है कि वो बोले कि यहाँ पे झारखंड में बहुत सारा कोयले का रुपया है और यूपी में पैसे नहीं है। मैं इसके लिए ये जितेंद्र पांडे जो आज गिरफ्तार हुए हैं उनको, उनसे मिलने के लिए यूपी सबसे पहले मैं महिला वहाँ पे मिल के आई हूँ, और उन्होंने मुझे धमकी दिया वहाँ पे और मेरा गाड़ी का नंबर लौट करके आगे पीछे उन्होंने आदमी लगा दिया। मैं डर के मारे आज 1 महीना पहले वहाँ से आई हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उषा देवी हुआ। और उस तरफ भी कुछ महिलाएं हैं, देखेंगे आप, उस तरफ भी महिलाएं हैं, और यहाँ जितने भी लोग हैं सभी किसान ही हैं और सभी जो है यहाँ पे ठगी का शिकार हुए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आएंगे? लाखे से ही आए हम। लाखे से ही आए? आप लोगों के साथ भी ठगी का शिकार हुआ है? हम लोग को यहाँ पे पहले से ही काम कर रहे थे यहाँ पे हैंडबिल बांटने के लिए, लेकिन लास्ट में हम लोग को भी पैसा लेकर के ही गए। यानी आप लोग उनके साथ में काम कर रहे थे? हाँ। पर आप लोगों को मालूम नहीं चल पाया कि जरा सा भी मालूम नहीं चल पाया कि पैसा लेकर फरार हो जाएंगे यहाँ से, यहाँ तक कि विकलांग लोग को भी नहीं छोड़े हैं, उनसे भी पैसा लेकर के फरार हो गए।
तो देखेंगे आप कि यहाँ कई लोग मौजूद हैं और कई लोगों को यह भी पता नहीं चला है कि एक बंदे की गिरफ्तारी हो गई है, जितेंद्र राय की गिरफ्तारी हो गई है, और इस वजह से यहाँ पे भीड़ आपको फिर भी कम नजर आ रही होगी। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे लोग मुफस्सिल थाने हजारीबाग के पास में मौजूद हैं, ये सभी ठगी का शिकार हुए हैं। किसी से 2 लाख, 3 लाख, 40 लाख तक रुपए लिए गए हैं। कहीं कहीं पेड़ पौधे इन लोगों के द्वारा लगवाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव के कारण में ये लोग इतने इतने पैसे उन लोगों पर भरोसा करके देते चले गए, और यहाँ तक कि उनके साथ में उनके इर्द गिर्द रह करके राय जी के जिन्होंने ठगी की है, जिनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, वो उनके इर्द गिर्द में जो ड्राइवर रहते थे या जो टेंट वाले रहते थे या जो काम करने वाले रहते थे, उन लोगों का पैसा भी, यानी कि कह सकते हैं सैलरी भी, पेमेंट भी उन लोगों ने क्लियर नहीं किया और भाग खड़े हुए। आगे की जो भी जानकारी होगी जल्द हजारीबाग अपडेट्स पे साझा करेंगे। शुक्रिया।